हमारे पास एक और प्रश्न है, 432 और 261 के गुणनफल का आकलन करो। 432 और 261 के गुणनफल का हमें आकलन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सैकड़े का निकटता मान मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले 432, तो 432 कहाँ पर होगा, ये 432 जो है 400 और 500 के बीच होगा, 432। अब इन दोनों के बीच की संख्या है 450, तो 432 जो है 450 इधर 432, अर्थात 432 में सैकड़े का निकटतम मान कितना होगा, 400 होगा। लिख लेते हैं 432 में सैकड़े का निकटतम मान बराबर कितना, 400। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, एक दूसरी संख्या 261, 261 कहाँ होना चाहिए, 200 और 300 के बीच में होना चाहिए। ये 261, इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी, 250, तो 261 250 से थोड़ा आगे, यहाँ 261, तो किसके ज़्यादा पास है ये, 200 के 300, 300 के ज़्यादा पास, अर्थात 261 में सैकड़े का निकटतम मान कितना होगा, 300 होगा। लिख लेते हैं 261 में सैकड़े का निकटतम मान बराबर 300। अब ये हमें निकटतम मान मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, गुणनफल का आकलन करना है। तो चलिए पहले आकलित गुणनफल कर लेते हैं। आकलित गुणनफल, आकलित गुणनफल के लिए हमारे पास क्या है, 400 और गुणा 300, ये एक संख्या हमारे। चलिए शून्य गुणा करते हैं, शून्य 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 चौक शून्य, जीरो लगा देते हैं, शून्य 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 चौक शून्य, दो जीरो लगाते हैं, तीन शून्य शून्य तीन शून्य शून्य तीन चौक बारह, कर देते हैं जोड़ लेते हैं, शून्य 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 दो और एक, ये हमारे पास आंकलित गुणनफल है। आगे देखते हैं इसका वास्तविक गुणनफल। वास्तविक गुणनफल क्या होता है, वास्तविक गुणनफल संख्या है हमारे पास 432 गुणा 261, 432 गुणा 261। चलिए पहले एक कपाड़ा, एक दुनी दो, एक किया तीन, एक क्यों चार, फिर छह कपाड़ा से पहले शून्य लगा देते हैं, छह दुनी बारह की दो हासिल एक, छः दिया अठारह और एक उन्नीस की नौ हासिल एक, छः चौं चौबीस और एक पच्चीस। अब दो का पाँच से पहले दो शून्य लगा देते हैं, दो दोने चार, दो दिया छः और दो चौं आठ, छः। अब जोड़ लेते हैं, दो शून्य शून्य दो, तीन दो पाँच शून्य, पाँच
चार नौ तेरह चार सत्रह की सात अस्सी एक पाँच छः ग्यारह एक बारह की दो अस्सी एक दो आठ दस ग्यारह। तो इस तरह से 1,12,752। तो ये गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए आज गणित की कक्षा में हम भागफल का आकलन करते हैं। ये हमारे पास एक प्रश्न है 628 भाग 24। तो सबसे पहले हम 628 का 28 में सैकड़े का निकटतम मान मालूम कर लेते हैं। 628 628 कहाँ पर होगा? ये 600 और 700 के बीच में होगा 628। अब 600 और 700 के बीच की संख्या कौन सी है? तो ये हो जाएगा 650। और 628 650 से छोटा है, तो यहाँ कहीं पर होगा 628। अर्थात किसके ज़्यादा निकट है? 600 के निकट है। तो हम कह सकते हैं 628 में सैकड़े का निकटतम तम मान बराबर 600, ठीक है। अब 24 हमारे पास एक दहाई के लिए अलग संख्या रेखा है, तो 24 किसके बीच होगा? ये इन दोनों के बीच होगा 24, और इन दोनों के बीच की संख्या है 25। तो 25 से थोड़ा छोटा यहाँ पर होगा 24, अर्थात दहाई का निकटतम कितना होगा? 20। तो लिख लेते हैं 24 में दहाई का निकटतम मान 20। ये हमारे पास निकटतम मान मालूम हो गया। अब हमें भागफल का आकलन करना है, तो सबसे पहले आकलित भागफल निकाल लेते हैं। आकलित भागफल लिखते हैं 620। पहले शून्य के भाग देते हैं, 20 से कम 20 ज़्यादा हो गया, तो 20 शून्य शून्य बच गया 6 और शून्य उतारे तो हो गया 60। 20 से कम 20 भेज दो 4 से 20 दिया 60 कुछ नहीं बचा, फिर 0 को उतार दे 20 शून्य शून्य। तो इस तरह हमारे पास आंकड़े भागफल आया 30। अब चलिए वास्तविक भागफल देख लेते हैं। वास्तविक भागफल प्रश्न है हमारे पास 628 भाग 24। 628 भाग 24 परीक्षा के लिए 24 शून्य छः बज गया, दो तारे 62 हो गया। चलिए 24 का पहाड़ा करते हैं, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 72 ज़्यादा हो गया तो दूनी तक 24 दूनी 48 घटा लेते हैं, दो में से 8 तो नहीं 4 और 1। अब 48 हो गया 148। चलिए 24 का पहाड़ा 148 के पढ़ लेते हैं। 24 से कम 24, 24 दो 48, 24 दिया 72, 24 चौक 96, 24 पंच 120, 24 छक्का 144, 144, 24 छक्का 144, 4 शून्य शून्य। तो इस तरह हमारा भाग फैला है 26।
हम देखते हैं कि आंतरिक भागफल 30 और जो वास्तविक भागफल है 26 उसके बीच ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 4 का ही अंतर है।